ले जी, ये है गोल्ड शॉप का पूरा बाजार। ले जी, ये शॉप पे आ गए। ले जी, गोल्ड शॉप में फिरते फिरते भूख लग गई है। एक्सीलेंट है, खा के। किस साइज की अंगूठी? बड़ा सोचे, दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी बड़ी। फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जी। ओ हो, ये तो देखें, लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं भैया उस अंगूठी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अनीस वॉइस में खुशामदीद। मैं दुबई में क्लॉक टावर डेरा पर इस वक्त बैठा हूँ, बस स्टॉप पर। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे गोल्ड शॉप, और ये रोड सीधी गोल्ड शॉप की तरफ जा रही है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गोल्ड शॉप। तो अभी यहाँ पे मैं बस का वेट कर रहा हूँ जी। ये हम गोल्ड शॉप में जाने वाली बस में बैठ गए। ये अलबरा की तरफ जा रही है रोड, अलबरा आगे से राइट में रह जाएगा, और गोल्ड शॉप की तरफ हम लेफ्ट मोड़ के आएंगे। यार अच्छा बना हुआ है दुबई यार। कौन लोग कहते हैं कि दुबई में बोर हो जाता था या मज़ा नहीं है, बस दुबई फारग है। हैं इस तरह के लोग, लेकिन मुझे तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं जद्दा भी फर्स्ट टाइम इस बार रोक रहा हूँ, 4 दिन मैं जद्दा में रहा हूँ। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया जद्दे में, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बहुत बोरिंग था, बहुत ज़्यादा बोरिंग था जद्दा। 4 दिन में मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे ना कोई 5-स्टार जेल में रह कर आया हूँ। बिल्कुल भी मज़ा नहीं था जद्दे में। और यहाँ पर मुझे आज 3रा दिन है दुबई में, और यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए भी ना बोर नहीं हुआ। मज़ेदार चहल पहल वाला शहर है, बहुत मज़ेदार है। ये जी, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं गोल्ड शॉप। बस एक आधी गली आगे पीछे है। ये बस स्टॉप आ गया है, ये इस रोड का आखिरी बस स्टॉप। यहाँ पे अब पार्क हो गई है, अभी इधर से वापस ऐसे ही चले वापस जाने के लिए। ये सबसे बड़ा यहाँ का बस स्टैंड है, यहाँ पर इंटरनेशनल सिटी जाने वाली भी है। वो जबल अली पे जाने वाली है। ये रास अल खोर, यहाँ पर ना मेन होलसेल मंडी है रास अल खोर में। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी कल, मैंने जाना यहाँ पर। जितनी भी इंपोर्ट की सब्ज़ी, फ्रूट, अपना चावल, चीनी, खाने का जितना भी सामान है ना, इन्हीं मंडियों में आकर यहाँ पे बिक रहा है। पाकिस्तान, इंडिया से ये इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर बिक रहा आके। कल मैंने इधर भी जाना रास पे भी, रास अल खोर पे। तो ये अभी बस वाले भाई मुझे बता रहे थे कि ये 64 नंबर अलबरा से भी जाती है। तो कल अलबरा से ना इस बस में बैठेंगे और रास अल खोर जाना। टैक्सी वाले से आज मैंने रास अल खोर जाने का पूछा, उसने मुझे 50 रियाल बोले। इसके ऊपर मैंने 5-6 रियाल में पहुंच जाना। हाँ जी, तो मैंने इधर से गोल्ड शॉप का पूछा है, वो मुझे बताया गया कि ये जो सामने ओवरहेड है इसके दूसरी साइड पे मैंने जाना, और वो सारी मंडी जो है वो गोल्ड शॉप की है। ले जी, ये है गोल्ड शॉप का पूरा बाजार। ये अभी जाते हैं उधर से, इस ओवरहेड के ऊपर से ना दूसरी साइड पे जाना। तो चलें, चलते हैं दूसरी साइड पे।
ले जी, हम गोल्ड शॉक आ चुके हैं। ये पूरी मार्केट गोल्ड की है, ठीक है। मार्केट को इधर शॉक ही कहते हैं ना अरबी में। ये यहाँ का पहला प्लाजा नज़र आया गोल्ड का, इसके आगे भी सारी थ्रू आउट मार्केट है। तो देखते हैं जाके मार्केट में क्या चेंज चल रहा है भाई। यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बड़ा स्मूथ है सऊदी अरब। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और ड्राइविंग सेंस है। सऊदीया में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आसानी से जो है वो रोड क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पर ना वो आपको पूरे तरीके से रास्ता देते हैं गुजरने का ना। ले जी, ये शॉप पे आ गए। अभी रेट भी पता करते हैं कि यहाँ पर 21 कैरेट का क्या रेट है। 21 कैरेट का रेट पता करते हैं और पाकिस्तान से फिर कंपेयर करते हैं। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया है इसका 21 नहीं है आपके पास, 22 है। 21 का रेट है 214 एक ग्राम का, और इसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। और मेकिंग चार्जेस कितने हैं आपके? डिज़ाइन के मुताबिक है। अच्छा, वो डिज़ाइन के मुताबिक आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान वाला हिसाब है। यहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी हैं सऊदीया में ना, सऊदीया में मेकिंग चार्जेस नहीं थे जी। भाई काफ़ी फ्रेंडली थे यार, बातचीत की है उनसे। यहाँ पर 238 का उन्होंने मुझे बताया है पर ग्राम, 24 कैरेट का एक ग्राम 238 दिरहम में, उसके ऊपर टैक्स नहीं है और इतने में ही मिलेगा। 10 ग्राम का कॉइन मिलेगा 2380 में। हाँ, 2380 में मिलेगा, 2380 में 10 ग्राम। मैंने देखा है, मुझे तो पाकिस्तान वाली रेट लगा, कोई फ़र्क नहीं है। लोग कहते हैं कि ये दुबई में सोना सस्ता है, यहाँ से लेकर जाएं तो पाकिस्तान में महंगा बिक गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा फिलहाल तो। अभी आगे जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है। ये है जी सर जी गोल्ड शॉप। बनवाई पता करना पड़ेगी, बनवाई कितनी है। मुझे कह रहा था भाई कि बनवाई के चार्जेस भी, मेकिंग के चार्जेस अलग से हैं। 21 कैरेट गोल्ड 214 का है रियाल का। 21 कैरेट है, 21 कैरेट है आपके पास? 21 कैरेट है नहीं है, 22-24। ये भाई बता रहे थे कि इनके पास 21 कैरेट नहीं है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है और 24 कैरेट है। ये प्लाजा है, इसके अंदर चलते हैं। ये आर्टिफिशियल भी काफ़ी इनके पास सामान पड़ा। ये डेकोरेशन में पड़े हैं, ये अलादीन का चिराग पड़ा। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्मार्ट वॉचेस, अभी हम यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की अंगूठी देखने के लिए भी जाएंगे। हमारे साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। मुझे यहाँ आने से पहले किसी ने बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी जो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी। तो वो यहाँ से पता करते हैं कि कितने इसमें सच हैं। एक्सक्यूज़ मी भाई जी, इन्होंने मुझे बताया कि इस प्लाजे से सीधा जाएं, आगे आपको वो दुनिया के सबसे बड़ी जो अंगूठी है ना वो आपको मिलेगी जी यहाँ पे। देखते हैं जाके वो दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी कौन सी है जी। दुनिया में यही है अंगूठी, इससे बड़ी अंगूठी और कोई नहीं है।
जाके देखना पड़ेगा भाई। भाई परफ्यूम भी बिक रहा है साथ, परफ्यूम इतर ये भी बिक रहा है। ले जी, गोल्ड सोप में फिरते फिरते भूख लग गई है। अभी मैंने यहाँ पे इस कैफेटेरिया से ना एक शुआरमा ऑर्डर किया और ये आइसक्रीम बड़ी मज़े की लग रही है, ये वाली, ये टूटी फ्रूटी ना, ये एक ऑर्डर किया है। अब जब आएगी तो देखते हैं ये इसी शक्ल की आएगी या वो पाकिस्तान वाला हिसाब करेंगे कि फ़ोटो हो चीज़ हो। तो बाकी अभी वो दुनिया के सबसे बड़ी अंगूठी देखनी है यहाँ पे, वो देखने के लिए चलूँगा, वो आज आपको लाजमी दिखानी है। नहीं जी, शुआरमा मेरा आ चुका है और बिल्कुल चिपटा सा शुआरमा, पता नहीं किस तरह का होगा, खा के देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत हैवी शुआरमा ही मिलते हैं, ये देखते हैं कैसा है। जी शुआरमा तो गदरे बेहतर है सऊदीया के शुआरमे से, और मुझे ये कह रहे थे कि 6 रियाल का शुआरमा। मैंने इसको कहा कि यार 7 रियाल ले लो, चिकन और सॉस एक्स्ट्रा कर देना, शायद उस वजह से कुछ बेहतर लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान के शुआरमे का कोई मैच नहीं है भाई, लेकिन अच्छा है, सऊदीया से तो 1000 दर्जे अच्छा। ले जी, आइसक्रीम आ चुकी है, इसके अंदर इन्होंने फिलिंग की हुई है नट्स की और आपके सामने है। बहुत अच्छी बनाई है यार, देखने में तो सेम टू सेम बना गया। जबरदस्त, एक्सीलेंट यार, खा कर देखता हूँ कैसी। लेवल बॉस, एकदम लेवल, कमाल, माशाल्लाह जबरदस्त। फुली लोडेड आइसक्रीम, फुली लोडेड आइसक्रीम। ले जी, खाना शाना हो गया, वाकई बहुत मज़ेदार था, आइसक्रीम बहुत लेवल बनी हुई थी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्या है जी, हसन हाजी नूरानी, ये लगता मेकअप बेच रहा होगा नूरानी। एक परफ्यूम्स की दुकानें भी हैं, ये शीशा बड़ा शीशा है, अंदर चॉकलेट्स है, मिक्स दुकान नहीं है भाई। लेकिन वो बड़ी अंगूठी अभी तक वो मुझे नज़र नहीं आई, वो पूछता हूँ दोबारा किसी से। पाकिस्तान का कर्शी जोहर जशाता यहाँ पर सेल हो रहा है जी, लेकिन मज़े की बात है अभी तक अंगूठी का पता मुझे किसी ने नहीं बताया, जो दुनिया के सबसे बड़ी अंगूठी इधर बिक रही है। पूछना पड़ेगा इसको, ये सोने की दुकान वाला। एक्सक्यूज मी बॉस, इधर ये पहला गली छोड़ो, दूसरा गली छोड़ो, तीसरा रोड आएगा, उसमें लेफ्ट साइड में जाओ, तीसरी गली में लेफ्ट जाऊँ, तो वहाँ पे वो दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी पड़ी है। चलो थैंक यू। किस साइज की अंगूठी? बड़ा है। सोने का क्या? वैसे ही है आर्टिफिशियल। चलो जाकर देखते हैं। जी इन्होंने बताया मुझे 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में उसने क्या एंटर हो जाए, वहाँ पे जी दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी पड़ी है। चलें देखते हैं किधर पड़ी है। ये
हाँ इधर हो सकती थी, वो तो गलियां तंग थी पीछे की, यहाँ मिल सकती है। ये तो देखें सर, कमाल हो। मुझे लगता है इस प्लाजे में होगी मेरे ख्याल से। बाकी वो आगे बड़ी ज़बरदस्त मार्केट नज़र आ रही है। ले जी, ये जितनी मार्केट थी ना, ये गोल्ड की तो थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर नया इंकशाफ किया एक बंदे ने कि ये जो सामने आ रही है ना, ये वाली मार्केट मेन जो दुबई की मार्केट है वो ये है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो बाहर दुकानें थी ये भी तो वही सोने की थी, लेकिन इसको ना कोई ख़ास ही दर्जा मिला हुआ यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि वो बड़ी अंगूठी भी यहीं पे पड़ी हुई है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, कोशिश तो कर रहा हूँ ज़्यादा लेंथी ना हो। इधर भाई साहब, यहाँ से भी आगे सीधा गेट नंबर एक की तरफ जाएं, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी पड़ी है जी। बस चलाई जा रहे हैं, आधे घंटे से अंगूठी नहीं मिल रही है। ये है जी सिकत अल खलील रोड, ये इधर से गेट नंबर एक की तरफ जाना। यार क्या कमाल मार्केट बनी है भाई, खूब ये हीरा लगा बड़ा जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत खूब। भी दुनिया की ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गोल्ड की मंडी है, जिधर खूब खरीदारी हो रही है। कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहां पर कस्टमर को नहीं मैं देख रहा, लोग खरीदारी कर रहे हैं भाई। जबकि हमारे पाकिस्तान में जाएं तो सुनहरे हमारे बिल्कुल बेचारे वेले मिष्टंडों की तरह बैठे होते हैं, कोई काम काज नहीं है ख़ास। और यहां पर जो है भाई खूब लगे हुए हैं लोग काम पर। ये हाई साहब से पूछते हैं। नहीं जी, ये जो है ना, ये है वो कह रहे हैं गोल्ड शॉप, वो पीछे तो थी, वो भी गोल्ड की मार्केट है, लेकिन जो मेन गोल्ड शॉप मशहूर है ना वो ये है। ये इस तरह का जो इन्होंने बनाया हुआ है इसके अंदर, ये है जी पुराना गोल्ड शॉप यहाँ का। नहीं जी, ये मुझे पीछे से भी बताया था किसी ने पहले, कंस के नाम से गेट नंबर वन पे दुकान है, जिधर दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी पड़ी। फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जी। ओ हो, ये तो देखें, लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं भैया उस अंगूठी के साथ। ये ओ माय गॉड भाई, ये तो दुनिया की वाकई सबसे बड़ी अंगूठी। नहीं जी, तकरीबन आज 7-8 किलोमीटर चलना पड़ा इस अंगूठी के पीछे। जबरदस्त आर्टिफिशियल ही होगी, सोने की तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी दुनिया की है। नहीं जी, मुझे यहाँ से दें इजाज़त, ऑलरेडी बहुत लेंथी वीडियो हो चुकी है। अनीस वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें कि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।